चित्रकारी आर्ट एंड ड्राइंग प्रतियोगिता देहरादून के मुभागल एसोसिएशन संस्था द्वारा आगामी 19 अगस्त 2018 को सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए देहरादून के लॉर्ड वेंकटेश्वर वेडिंग पॉइंट सुभाष रोड में आयोजन किया जा रहा है। संस्था के सचिव मुकुल भारद्वाज ने बताया कि आर्ट और ड्राइंग के बच्चे व अभिभावक अब तक इसे मात्र एक हॉबी मानते थे, लेकिन यदि कोई इसे करियर से जोड़कर देखे तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी भी इस आर्ट की दिशा में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। संस्था के कोषाध्यक्ष आरती मल्होत्रा ने बताया कि आगामी 19 को चित्रकारी प्रतियोगिता को चरणबद्ध तरीके से किड्स ग्रुप ए 5 से 7 वर्ष, ग्रुप बी 7 से 10 वर्ष, जूनियर ग्रुप 10 से 15 वर्ष और सीनियर ग्रुप 15 से 17 वर्ष तक के बच्चे प्रतिभाग कर सकेंगे और प्रतिभाग करने वाले प्रथम विजेता को 15,000, दूसरे को 10,000 और तीसरे नंबर के विजेता को 5,000 नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आरती ने बताया कि उनकी संस्था देहरादून में इस तरह के आयोजन पहली बार कर रही है। हम सभी देहरादून वासियों को बताना चाहते हैं कि हमारी मुभागल एसोसिएशन संस्था जो कि कार्यरत है उत्तराखंड की संस्कृति कला के लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम लोग काफी समय से कार्यरत है और हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग 19 अगस्त 2018 को लॉर्ड वेंकटेश्वर में एक 5 साल से 17 साल तक के बच्चों के लिए एक आर्ट एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये रहेगा कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को आर्ट एंड कल्चर के लिए सिर्फ एक हॉबी के तौर पर लेकर चलते हैं कि अगर बेटा अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो ठीक है ड्राइंग कर लो। एजुकेशन पे इतना जोर दिया जा रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो अपनी कला को कैसे निखारेगा, जो उसकी सृजनशीलता है, जो उसकी क्रिएटिविटी है वो कैसे आगे बढ़ेगी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्यरत हैं इस चीज के लिए। हम इसी कंपटीशन के माध्यम से हमारे जो जजेस हैं मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता जी, जागृति डुबाल, दीमान सर और मिसेज रिचा काम्बोज, उनके माध्यम से हम बच्चों को और पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो बच्चों को मोटिवेट करें कि इस फील्ड में उनको आगे बढ़ना है, उसमें क्या ऑप्शंस हैं वो उन्हें हम लोगों को समझाना चाहते हैं हम इसी के माध्यम से। और हम लोग ये फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं बच्चों को हमारे जजेस के द्वारा, पेरेंट्स को। हम चाहते हैं कि बच्चों से पहले हम पेरेंट्स को मोटिवेट करें ताकि वो बच्चों को और ज्यादा घर में मोटिवेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पर हमारी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट लें। और हमारी प्रतियोगिता का रजिस्ट्रेशन 19 अगस्त 2018 लॉर्ड वेंकटेश्वर इसी रोड पर सुबह 9 बजे भी किया जा सकता है। जो अभिभावक और बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए स्वागत है। श्रमिक मंत्र के लिए देहरादून से आलोक शर्मा की रिपोर्ट।